गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग दोस्तों गुड इवनिंग साथियों मेरा नाम है दीपांशु शर्मा मैं आपका रीजिंग एजुकेटर आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया बेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म वाईफाई स्टडी पार्ट ऑफ एन एकेडमी कैसे आप सभी सभी को राम राम नमस्कार राते राते सभी का स्वागत है इस सेशन में एनालोगी एंड क्लासिफिकेशन 100 प्लस जो ये सेशन है इसके अंदर हम एनालोगी क्लास कल डिस्कस कर चुके हैं तो आज हम क्लासिफिकेशन डिस्कस करने वाले हैं अच्छा अभी तक अगर आपने अन अकेडमी ऐप इंस्टॉल नहीं किया तो अन अकेडमी ऐप इंस्टॉल कर लीजिए जहाँ पर आप लोगों को हर रोज दो बजकर पैंतालीस मिनट पर दोपहर को क्लास मिलती है ये क्लास आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री होती है और भी बहुत सारी फ्री क्लासेज अन अकेडमी पर आप लोगों के लिए होती हैं तो आप लोग उन सभी फ्री क्लासेज में दीप सर कोड लगा करके एनरोल कर सकते हैं और भी आप लोगों के लिए बहुत सारी फ्री सर्विसेज फ्री टेस्ट फ्री मॉक टेस्ट क्विज आप लोगों के लिए एस एस टेस्ट कल दोपहर बारह बजे आप लोगों के लिए कल के आज ही हो गया तो आप लोगों के लिए मेगा कॉम्बैट टेस्ट होता है हर संडे दोपहर बारह बजे उसमें जरूर पार्टिसिपेट किया करो उसमें भी कोड की नीड होती है तो कोड रहेगा दीप सर ठीक है और यही दीप सर कोड लगा करके आपको इंस्टेंट टेन परसेंट डिस्काउंट मिल जाता है जो भी अन अकेडमी का पेड प्रोडक्ट होता है अभी तक अगर आपने एस एग्जाम सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो लेकर के अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिए लाइक आपने वन ईयर सब्सक्रिप्शन चूज किया दीप सर कोड लगाया तो ये जो अमाउंट आपको दिखाई दे रहा है 6500 ये हो जाएगा 5850, जिसे आप 12 नो पोस्ट मंथली पे कर सकते हैं और अभी इस मंथ का ऑफर ये है कि वन ईयर का सब्सक्रिप्शन लेने पर फोर मंथ्स का एडिशनल सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है बहुत अच्छी सर्विसेज होती हैं अकेडमी पर क्लासेस में रेज एंड के सर्विसेज जिसमें टीचर स्टूडेंट से डायरेक्टली बात कर सकता है इंटरेक्ट कर सकता है टू वे कम्युनिकेशन जैसे हम फोन पे बात करते हैं और सामने टीचर दिख भी रहा होगा ठीक है

है एनालोगी हम कल डिस्कस कर चुके हैं मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा ये सारे क्वेश्चन साठ क्वेश्चन मैंने के कल करवाए थे आपको तो क्लासिफिकेशन स्टार्ट करूंगा मैं आप लोगों की यहां से से सेशन को स्टार्ट करेंगे अपन ठीक है क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर करवाया था कल याद कर लेना कल का सेशन अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना अच्छा इस चैनल पर और वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पर दोनों चैनल पर प्ले बनी हुई है आप लोग जो है ना सेशन वहां पर जो है मतलब प्रीवियस क्लासेस वहां पर जरूर देख लेना आपने अगर पूरा का पूरा सिलेबस जो है आप मेरे साथ कवर करना चाहते हैं रीजनिंग का तो इस चैनल पर और वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पर दोनों चैनल पर आप लोगों की प्ले बनी हुई है ठीक है सो स्टार्ट करें क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण मतलब डिफरेंट को चूज करना ओड वन फाइंड करना चार ऑप्शन अगर दिए हैं तो उनमें अलग कौन सा है ठीक है ना इनमें डिफरेंट कौन सा हमें उसको चूज करना है तो गाइज आप लोगों को जैसे मैंने एनालोगी में बताया था कि वर्ड एनालॉगी क्लासिफिकेशन में वर्ड क्लासिफिकेशन होती है नंबर क्लासिफिकेशन होती है नंबर है, है।, है तो नंबर में आपके पास डिफरेंट नंबर है वो चूज करना है और वर्ड में मीनिंगफुल वर्ड और नॉन मीनिंगफुल वर्ड आते हैं और मीनिंगफुल वर्ड में फिर मैं वही बात करूंगा क्वांटिटी यूनिट के बारे में वर्क टूल के बारे में वर्कर टूल के बारे में कोज इफेक्ट इनम्स एंड कंट्री कैपिटल स्टेट कैपिटल कुछ जनरल नॉलेज जनरल नॉलेज या जनरल साइंस आपको पता होनी चाहिए बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए ठीक है चलो ये क्वेश्चन है देखो आपको सिंगल वर्ड भी दिए जा सकते हैं पेयर भी दिए जा सकते हैं तो ये पेयर में दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं चलिए बनाइएगा इस क्वेश्चन का आंसर बनाइएगा हेलो 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 रुक जा भाई हेलो 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 यार ये मानता ही नहीं है कौन है बॉलीवुड सॉन्ग चलिए बताइए मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है एवरीबॉडी फास्ट डू इट फास्ट वेरी गुड चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर ऑल ऑफ यू गाइस यू कैन डू इनमें डिफरेंट कौन सा है सिक्सटी वन एक्सटी वन बी सिक्सटी वन सी सिक्सटी वन डी मून सैटेलाइट भाई जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं और चंद्रमा ग्रहों की परिक्रमा करता है पृथ्वी के भी चंद्रमा है और भी अन्य ग्रहों के भी चंद्रमा है तो जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं तो उनको कहा जाता है उपग्रह तो मून एक सैटेलाइट है ये बिल्कुल सही दिया हुआ है ठीक है ना शुक्र पृथ्वी मंगल बुध ये ग्रह और दुनिया ब्रह्मांड में हर चमकती चीज तारा है तो ये तीनों जो कॉम्बिनेशन है ना बिल्कुल सही दिए हुए हैं सूर्य तारा है चंद्रमा उपग्रह है शुक्र ग्रह है बृहस्पति भी ग्रह है ब्लैक होल नहीं है ये गलत दिया हुआ है और यही अलग है तो यहां पर आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा जुपिटर ब्लैक होल क्योंकि ये कॉम्बिनेशन सही नहीं दिया हुआ तो प्रतिमा दीपेश हार्दिक निशा सुरेंद्र अंकित अर्जुन प्रियंका गौरव साक्षी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं नर्मदा कावेरी गंगा कृष्णा नदियों के बारे में आपको जानकारी कुछ होनी चाहिए कुछ क्या पूरी जानकारी होनी चाहिए आप यार स्टूडेंट हो एस एस सी की स्टूडेंट हो हाँ जी बताइए नर्मदा कावेरी कृष्णा गंगा बताइए क्या आंसर होगा बताइए 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 क्या आंसर होगा राधे राधे भाई राधे राधे नर्मदा कृष्णा कावेरी गंगा क्या आंसर होगा हमारा आंसर होगा नर्मदा क्यों होगा क्योंकि देखो अगर मैं ये हमारे क्या है उसका इंडिया का नक्शा है इंडिया का साउथर्न पार्ट है ठीक है ना ये इंडिया है मान लो तो ठीक है ना इंडिया का नीचे वाला हिस्सा है तो ठीक है थोड़ा टेढ़ा मेढा बनाया मैंने थोड़ा कोशिश करता हूँ दोबारा से ठीक है भाई इंडिया का ये साउथर्न पार्ट है ठीक है तो जो गंगा नदी है आप लोग गंगा नदी के बारे में जानते हो बे ऑफ़ बंगाल में गिरती है कृष्णा कावेरी भी बे ऑफ बंगाल में गिरती है कहाँ गिरती है बे ऑफ बंगाल बंगाल की खाड़ी में और ये है हमारा अरबियन सी अरब सागर ठीक है ना तो जो नर्मदा नदी है वो अरब सागर में गिरती है इसलिए डिफरेंट कौन सी हुई नर्मदा ठीक है चलिए वेरी गुड बहुत बढ़िया निशा बहुत सही अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए अवधेश मिश्रा राधे राधे सभी को राम राम राधे राधे नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग सेशन को लाइक शेयर कर दो हाँ आप कह सकते हो ये जो है ईस्ट टू वेस्ट बहती है बाकी वेस्ट टू ईस्ट बहती है ये भी कह सकते हो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री एक चौसठ सात सौ उनतीस पांच सौ बारह क्या अलग होगा भाई इसमें इसमें कौन सा नंबर अलग है और क्यों है रीजन भी बताया करो ठीक है रीजन भी बताया करो चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर एवरीबडी चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या ऑल ऑफ यू यू कैन डू नेहा सिक्सटी थ्री का सी जगन्नाथ डी कह रहे हैं पांच सौ बारह नेहा कह रही है बस एक ही बार आंसर करो यार बार बार मत करो हाँ क्यूब नहीं बन रहा ये जो नंबर है स्क्वायर एज वेल एज क्यूब है एक का स्क्वायर और एक का क्यूब सात सौ उनतीस की अगर मैं बात करूँ तो ये भी स्क्वायर एज वेल एज क्यूब है ट्वेंटी सेवन का स्क्वायर और नाइन का क्यूब चौसठ की अगर मैं बात करूँ तो एट का स्क्वायर और फोर का क्यूब बट जो पाँच सौ बारह है ये जो है ये सिर्फ क्यूब है एट का क्यूब किसी का स्क्वायर नहीं है तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर पांच सौ बारह आंसर होगा ठीक है चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या तापी माही साबरमती पेनार चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ऑल ऑफ यू guys यू कैन डू शानदार जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लगा दीजिए आप तबाही मचा दीजिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर तापी माही साबरमती पिन्नार ये इंडिया का फिर पार्ट मैंने बनाया है नीचे वाला हिस्सा अगर यहाँ पर बात करें तापी की माही की साबरमती की ये तीनों अरबियन सागर में गिरती हैं, ठीक है ठीके? और जो पिन्नार है वो जो गिरती है बे ऑफ बंगाल में गिरती है इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा पिनार ठीक है पिनार हो जाए। बारह सौ पच्चीस चार सौ इकतालीस एक हजार नवासी सात सौ चौरासी इन नंबर्स में डिफरेंट नंबर कौन सा है बताइए पूर्वी प्रियंका अर्जुन अवधेश अवधेश एक ही बार आंसर करो यार पाल बंधु सभी एक ही बार आंसर किया करें बस पता लग जाता है बारह सौ पच्चीस चार बारह सौ पच्चीस पैंतीस का स्क्वायर है एक हजार नवासी तैतीस का स्क्वायर है चार सौ इकतालीस इक्कीस का स्क्वायर है सात सौ चौरासी जो है अट्ठाईस का स्क्वायर ये सारे किसी ना किसी के स्क्वायर है पैंतीस तैतीस इक्कीस ओड हैं, ये हमारा ईवन है आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ठीक है डायरेक्टली भी आपको ये इवन ओड नजर आ रहे हैं लेकिन मैंने आपको दिखाया कि जिसका ये स्क्वायर है ये इवन नंबर है इवन नंबर का स्क्वायर है, है। कानपुर आगरा फतेहपुर वाराणसी डिफरेंट चूज करना है अलग विभिन्न अलग बताना है कौन सा अलग है और क्यों बताइए सुजीत पालबंधु सोनू कुमार निशा पूर्वी एवरीबडी गोइंग गुड कानपुर फतेहपुर वाराणसी ये तीनों गंगा किनारे हैं आगरा यमुना किनारे यहाँ इन सिटीज के लोग बोल सकते हैं मैं तो गंगा किनारे वाला पर आगरा वाले नहीं बोल सकते आगरा यमुना किनारे ये आ, जो है यमुना बैंक के किनारे और बाकी सभी गंगा बैंक के किनारे चलिए नेक्स्ट ये जिला नहीं है <laughs> सारे जिले थे क्लास टाइम अब क्या बताए बेस्ट क्लास थैंक यू आगरा आंसर गंगा वाले कॉन्सेप्ट आपने लगाया फर्स्ट क्लिक भी नहीं ये यूपी के जिले भी नहीं सी चलिए नेक्स्ट देखो नदी वाला कंसेप्ट दिया क्यों जा रहा है रिवर वाला कंसेप्ट क्यों दिया जा रहा है मैं एक बात बताता हूँ आपको जो शुरू से सभ्यताएं बसनी शुरू हुई थी ना वो जिलो राज्यों में नहीं बसती थी वो नदी के किनारे बसती थी जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है वो सिंधु नदी के किनारे पर मतलब जो है ना पहले अपना जो जीवन यापन लोग करते थे जैसे नदी है तो नदी के आसपास लोग बसते थे तो उनको उस घाटी के सभ्यता ना तो वो घाटी में बसते थे उस घाटी के सभ्यता के लोग कहा जाता था तो नदियों के नाम से फेमस थे लोग ठीक है ना तो वो पौराणिक है इसलिए उसकी प्रायोरिटी है समझिए बात को ठीक है इसका आंसर हो जाएगा नाइन क्योंकि सत्रह तेरह उन्नीस ये तीनों हमारे क्या है प्राइम नंबर प्राइम नंबर है अभाज्य संख्या प्राइम नंबर तो पता ही होंगे दो तीन पांच सात ग्यारह तेरह सत्रह उन्नीस ठीक है तेईस उनतीस दिज आर ऑल प्राइम नंबर नाइन इज नोट अ प्राइम नंबर ठीक है नाइन प्राइम नंबर नहीं है चलिए नेक्स्ट कृष्णा यादव कोई बात नहीं देख लेना सर कितने बजे से क्लास लगती है रोज सुजीत यादव तो बस लग ली जो क्लास लगनी थी ठीक है ना चलो आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है इस चैनल पर रीजनिंग बाय दिपांशु सर नाम से ठीक है और दूसरे चैनल पर वाईफाई स्टडी चैनल पर भी बनी हुई है प्लेलिस्ट रीजनिंग बाय दिपांशु सर नाम से इस चैनल पर और वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पर तो आप पिछली क्लासेस का रिवीज़न जरूर ले लीजिएगा और जो भी क्लास पसंद आए उसको लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा ठीक है तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दस नौ छः यहाँ पे बात करें तो बीस उन्नीस सोलह यहाँ पे बात करें तो छः पाँच और दो यहाँ पे बात करें तो चौदह तेरह और बारह तो क्या आंसर होगा देखो पहले अगर आपने पास ऐसे नॉन मीनिंगफुल वर्ड हो ना जिसमें डिफरेंस देखा जाता है इट्स अ माइनस थ्री है पर ये नहीं है एंड या फिर ये कह सकते हो इधर से देखोगे तो एल एम एन ये अपने लेटर हैं ठीक है थीके? तो यही अलग है डिफरेंस बेस भी कह सकते हो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन बताइए क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन का आंसर क्या होगा देखो आप खाली डी बी डी बी लिखे जा रहे हो मेरे को समझ नहीं आ रहा तो या तो ऐसे लिखो दो सिक्सटी नाइन ए सिक्सटी नाइन बी सिक्सटी नाइन सी सिक्सटी नाइन डी या फिर ऐसे लिख दो ई e, एच के आंसर है दोनों में से कुछ तो लिखो ऐसे खाली डी 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 लिखे जा रहे हो तो ऐसे कैसे समझ में आएगा किस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो छ नौ बारह चार सात दस सात नौ चौदह पांच आठ और ग्यारह प्लेस वैल्यू याद नहीं है तो लेट्स लर्न प्लेस वैल्यू रीजनिंग बाय शर्मा करके सर्च कर लेना ये इस चैनल पर प्ले बनी हुई है उस प्ले के अंदर सौ सवा सो वीडियो है और उसके अंदर एक आपको क्लास मिलती है जिसमें मैंने प्लेस वैल्यू याद करवाई थी और उसके बाद कोडिंग रिकॉर्डिंग की कोई भी क्लास अटेंड कर लेना सारे लेटर की प्लेस वैल्यू याद हो जाएगी छह प्लस तीन छः तीन नौ नौ तीन बारह चार और तीन सात सात और तीन दस पाँच और तीन आठ आठ और तीन ग्यारह तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो प्लस तीन प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री का डिफरेंस है और तो यहाँ पर डिफरेंस है प्लस टू प्लस फाइव का सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर जी आई एन बिल्कुल सही कहा आपने चलिए सोनू गौरव पाल बंधु अवधेश ज्वाइन इंडिया डिफेंस फर्स्ट क्लिक विनय निशा गौरवजा आयुष सोलंकी प्रियंका दीमान सौरभ चलिए बनाई ये गेम और उनके नंबर ऑफ प्लेयर दिए हुए हैं कबड्डी में सात ही प्लेयर होते हैं सही दे रखा बेसबॉल में नौ ही प्लेयर होते हैं ऑन ग्राउंड ये भी सही दे रखा बास्केटबॉल में पांच ही होते हैं ये भी सही दे रखा ये गलत दिया हुआ यही अलग है वॉलीबॉल में छह होते हैं ऑन ग्राउंड कितने होते हैं छः दिया जाना चाहिए था ठीक है ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ये तो हो गया रिपीट हो गया चलिए सेवेंटी टू बता दो सेवेंटी टू का आंसर वॉलीबॉल में छः हाँ बिल्कुल सुजीत सौरभ टेक्निकल न्यू अपडेट है जी मोहित अभिषेक प्रियंका आयुष अवधेश नेक्स्ट प्लेस वैल्यू लिख दू सात पांच तेईस इक्कीस तेरह ग्यारह सत्रह चौदह अब तो देखिए होगा इस माइनस टू माइनस टू माइनस टू से माइनस थ्री क्यू एन आंसर हो जाएगा इनके बीच में एक एक लेटर है और यहाँ पे कहोगे इनके बीच में दो लेटर है ठीक है ओपी चलिए डिफरेंस बेसिस पर ठीक कह रहे हैं नेहा कुमारी सुरेंद्र भाई पाल निशा सौरभ सिमरन जोइन इंडियन डिफेंस पाल बंधु सुजीत यादव प्रतिमा मोहित निशा प्रियंका सोनू अवधेश वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बनाइए जल्दी से यू कैन डू इट बनाई बनाई बन जाएगा चार सात लेटर्स लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिख रहा हूँ दस अठारह 5 ग्यारह सोलह उन्नीस सोलह पच्चीस देखो प्लेस वैल्यू लिखने के बाद लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिखने के बाद इसमें जो डिफरेंस है तीन का है और ये तीन से माइनस वन करके दे रखा है ठीक है या फिर आप कह सकते हो इनके बीच में जो लेटर है वो कितने लेटर हैं दो लेटर हैं कौन कौन से ई e और एफ ठीक है ऐसे ही यहाँ पर आपका पाँच और ग्यारह में जो डिफरेंस है वो छः का है और छः से मैं माइनस वन करूँगा तो ये पाँच दे रखा है या फिर आप कह सकते हो इनके बीच में जो कि लेटर हैं वो कितने लेटर है पाँच लेटर है एफ जी एच आई जे ये पाँच लेटर हैं इनके बीच में तो सोलह और पच्चीस में नौ का डिफरेंस है नाइन माइनस वन एट तो यहाँ पर आपके आठ लेटर हैं इनके बीच में क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स ये आठ लेटर है इनके बीच में जे और आर दस और आठ आठ का डिफरेंस है आठ माइनस वन यहाँ पे सात दिया होना चाहिए जे और आर के बीच में सात लेटर है ये सही नहीं दिया हुआ ऑप्शन सी फिट बैठ जाएगा ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट बताइए दो हजार अड़तालीस बत्तीस छप्पन एक सौ क्या होगा सेवेंटी फोर ए सेवेंटी फोर बी सेवनटी फोर सी सेवनटी फोर डी बनाइए बताइए क्या आंसर हो चौहत्तर ए चौहत्तर बी चौहत्तर सी चौहत्तर डी दो चार आठ सोलह बत्तीस चौसठ एक सौ अठाईस दो सौ छप्पन पाँच सौ बारह एक हजार चौबीस दो हजार अड़तालीस चार हज़ार छियानवे आठ हज़ार एक सौ बानवे सोलह हज़ार तीन सौ चौरासी ये मैं क्या लिख रहा हूँ ये मैं क्या लिख रहा हूँ टू की पावर वन टू की पावर टू टू की पावर थ्री टू की पावर फोर टू की पावर फाइव टू की पावर सिक्स टू की पावर सेवन टू की पावर एट टू की पावर नाइन टू की पावर टेन टू की पावर इलेवन टू की पावर ट्वेल्व टू की पावर थर्टीन टू की पावर फोरटीन एंड आगे सो सोवन दो हज़ार अड़तालीस की अगर मैं बात करूँ टू की पावर में आता है टू की पावर इलेवन बत्तीस की बात करूं ये भी टू की पावर में आता है टू की पावर फाइव एक सौ अट्ठाईस की बात करूं ये भी टू की पावर में आता है टू की पावर सेवन लेकिन छप्पन नहीं आता है, 56। so, 56 right ठीक है बिल्कुल निशा सही कहा आपने सेवनटी फाइव एवरीबडी आयु सोलम चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर थर्टी टू विल सौर बत्तीस नहीं था next. Next, 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 next. आप भी ला जो आप, आप भी चीजों को समझो सीखो अपोजिट लेटर अपोजिट लेटर अपोजिट लेटर एल का अपोजिट होता है आर का अपोजिट आई होता है तो ये गलत दिया हुआ है यही आंसर है इसको प्लेस वैल्यू के बेसिस पे भी कर सकते हैं ए ऑप्शन में तीन चौबीस सी ऑप्शन में दस सत्रह बी ऑप्शन में चार तेईस और डी ऑप्शन में बारह अठारह डिफरेंस बेस पे तो नहीं जोड़ के देखोगे तो इनको ट्वेंटी सेवन दिख रहा है जोड़ के देखोगे तो सत्ताईस दिख रहा है तेईस और चार सत्ताईस दिख रहा है बारह और अठारह तीस दिख रहा है इनमें जोड़ के तीस आ रहा है बाकी इसमें जोड़ करके आपका दोनों बेसिस पे किया जा सकता है नेक्स्ट नाशपति सेब अमरूद संतरा डिफरेंट क्या है अलग क्या है विभिन्न को चुनिए नाशपति सेब अमरूद संतरा विभिन्न को चुने नाशपति सेब अमरूद संतरा क्या आंसर हो जाएगा हाँ हाँ श्योर 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 यूपीएसआई के लिए आप रीजनिंग बाय दीपांशु शर्मा नाम से प्लेलिस्ट है वो देख लो इस चैनल पर बनी हुई है आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे आंसर हो जाएगा ऑरेंज ऑरेंज क्यों देखो आपके जो रीज़न है माइट भी ये रीज़न हो सकते हैं क्योंकि इसको छील के खाना पड़ता है इसके ऊपर छिलका होता है या इसमें फांके बनी होती हैं इज अट्रेस फूड ठीक है ना खट्टा फल है ठीक है खट्टा फल है विटामिन सी पाया जाता है सिट्रियस फूड है ठीक है दैट्स वाई ऑरेंज खट्टा फल नेक्स्ट सरसो प्याज जैतून तिल अलग क्या होगा सरसों प्याज जैतून तिल अलग क्या होगा अवधेश पूर्वी विद्यांचल रविंद्र कलर कलर नहीं कलर वाला नहीं था लॉजिक अजय मोहंता सुजीत यादव देखो लॉजिक आप ऐसे दो कि वो कह सकते हो या तो लॉजिकली वैलिड हो या साइंटिफिकली वैलिड हो है ना पर्सनल लॉजिक मत दो तो। सरसों जैतून तिल सरसों का तेल होता है जैतून का तेल होता है तिलों का तेल होता है प्याज का तेल नहीं होता है तो आंसर हो जाएगा ओनियन ओनियन विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट टमाटर बैंगन ककड़ी आलू क्या होगा वैलिड रीजन वैलिड रीजन वैलिड रीजन दो ठीक है माना जाएगा आपका रीजन वैलिड होना चाहिए चलिए नेक्स्ट कोस इज अंडर सोयल बट ओल बट ट्री एट प्लांट हम्म Indian में ऑयल नहीं होता बिल्कुल सपना तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पटेटो क्योंकि ये जमीन के नीचे पैदा होता है बाकी सब जमीन के ऊपर लगते हैं टमाटर जमीन के ऊपर होता है ककड़ी जमीन के ऊपर होता है बैंगन जमीन के ऊपर होता है टमाटर का पौधा होता है जो ककड़ी लगती है बेल पे बे लगती है बैंगन का पौधा होता है लेकिन अगर मैं आलू की बात करूं काइंड ऑफ रूट ये जमीन के नीचे होता है आलू बाकी जमीन के ऊपर होते हैं ये बताओ पटेटो जमीन में होता है बिल्कुल 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 सही आलू ताना है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ नेक्स्ट बताओ सोने से गहने बनते हैं मतलब गोल्ड से हम गहने बना लेते हैं चमड़े से जूते बना लेते हैं कपड़े से गारमेंट्स बना लेते हैं मिट्टी के बर्तन से मिट्टी नहीं बनती मिट्टी से मिट्टी के बर्तन बनते हैं जो ऑप्शन ए है ऑप्शन बी ऑप्शन सी है ना इनके अंदर जो रिलेशन जा रहा है वो रिलेशन ए से बी की तरफ जा रहा है लेकिन जो ऑप्शन डी है इसमें रिलेशन उल्टा है बी टू ऑप्शन डी आंसर गलत कोई भी नहीं है सारे सही हैं गलत कोई भी नहीं है ए टू बी टू ए रिलेशन था नेक्स्ट ये चीज मैंने एनालोगी में बताई थी कल आपको एनालोगी में बताई थी ये चीज कल आपको कि आपको ऐसे भी देखना होता है कि रिलेशन ए टू बी है या बी टू ए है देखो दोनों चैनल पे वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पर और इस चैनल पर प्ले लिस्ट बनी हुई है रीजनिंग बाय दीपांशु शर्मा के नाम से रीजनिंग बाय दीपांशु सर के नाम से मेरे कोई भी क्लास आपको देखनी हो तो वहां पर मिल जाएगी ठीक है टॉपिक का नाम रीजनिंग बाय दीपांशु शर्मा नाम से भी सर्च कर सकते हैं ठीक है ब्रॉड वाइड क्या है सीनो है विशाल बड़ा एक ही बात होती है तुच्छ छोटा एक ही बात होती है बड़ा विशाल एक ही बात होती है तो ये सब है क्या है ये पेयर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्योंकि हल्का भारी अपोजिट वर्ड है विपरीतार्थक शब्द ठीक है ना बाकी सब समानार्थी शब्द शब्दी थे ये हमारा विपरीतार्थिक है तो बी आ जाएगा एटी वन का आंसर बताओ एच क्यू टी जेड क्या अलग होगा एच क्यू टी जेड क्या अलग होगा और क्यों होगा विद रीजन बता दो तो ज्यादा बेटर बेटर है प्रियंका अतुल रौनक आयुष पूर्वी अवधेश सपना अजय विध्याचल दुष्यंत एंड एवरीबडी uh, कलर का आपसे पूछना के लिए नहीं लिखा था ठीक है तो आपने कौन से एजुकेशन कोर्स किया है सुखविंदर मैंने डिप्लोमा बीटेक एमटेक की हुई है ठीक है और मैं पिछले आठ साल से रीजनिंग ही पढ़ा रहा हूँ ये आठ हो जाएगा ये सत्रह हो जाएगा ये बीस हो जाएगा ये छब्बीस हो जाएगा तो ये जो है ईवन है ये भी ईवन है ये भी इवन है तो ये ओड हो जाएगा इट इज लेटर प्लेस वैल्यू इसकी प्लेस वैल्यू ओड है बाकी सब की इवन है नेक्स्ट बताओ नेक्स्ट बताइए हाँ प्राइम भी बोल सकते थे प्राइम भी बोल सकते थे 17 प्राइम चलिए नेक्स्ट बताएंगे और संख्या है बीपाल बंदू निकिता सपना रोनक सुरेंद्र अवधेश सुजीत निकिता नाग नव्या अतुल चलिए नेक्स्ट बताइए 82 का आंसर बताओ 82 A, 82 बी 82 सी 82 डी क्या आंसर होगा क्योंकि जब हम हा 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 कह लग रहा था कि ऐसे आप और एक रहा अच्छा जी ये भी लॉजिक लगा लेते हो तो। ये तीनों डिविजिबल है भाई ये तीनों है अगर मैं फिफ्टी सेवन की बात करूँ तो उन्नीस उन्नीस सत्तावन नाइनटीन से डिविजिबल है एट्टी सेवन की बात करूँ थ्री से डिविजिबल है।, है और भी होगा मतलब वन थर्टी वन किसी से डिविजिबल नहीं है इज अ प्राइम नंबर अभाज्य संख्या इट इज अ प्राइम नंबर ठीक है चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट बताइए नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट बताइए नेक्स्ट का आंसर क्या होगा एक सौ पच्चीस दो सौ सोलह सात सौ उनतीस पांच सौ पच्चीस ये तो ही दोगे पांच का क्यूब है नौ का क्यूब है छ का क्यूब है ना किसी का स्क्वायर है ना किसी का क्यूब है ना किसी का स्क्वायर है ना किसी का क्यूब है क्लियर है बड़े अगले क्वेश्चन पे नेक्स्ट बताओ सही था पांच सौ पच्चीस आप सभी लोगों का पाँच सौ पच्चीस सही था बच्चे बिल्कुल सही बताया था नेक्स्ट बताइए एवरीबडी फास्ट क्या होगा क्यों होगा अजय सपना अवधेश पाल बाव्या रोनक रविंद्र नेक्स्ट बताओ ऑप्शन ए को अगर मैं दोनों वैल्यू को तीन से डिवाइड कर दूं तो सेवन रेशो एट हो जाएगा ऑप्शन सी में अगर मैं दोनों वैल्यू को चार से डिवाइड कर दूं तो सेवन रेशो एट हो जाएगा ऑप्शन बी में अगर मैं दोनों वैल्यू को दो से भाग दे दूं तो सेवन रेशो एट भुज जाएगा ऑप्शन डी में अगर मैं इनको दो से भाग दे दूं तो ट्वेंटी सेवन रेशो थर्टी वन हो जाएगा ये सेवन रेशो एट नहीं बन सकता बाकी सभी को मैं सेवन रेशो एट बना सकता सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर एटी फोर का डी सही कह रहे हैं आप सभी लोग सर वी आर इंजीनियर हम लोग इंजीनियरिंग छोड़कर बाकी सब काम करते हैं सारे गवर्नमेंट जॉब एक्सेक्टर एक्सेक्टर एक्सेक्ट्रा ये तो है यार नहीं मैंने कह रहा अपनी इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड भी काम किया है इंडिविजुअली मैं दो वेबसाइट डेवलप कर चुका था बट मेरा इंटरेस्ट नहीं था इसलिए मैंने टीचिंग प्रोफेशन को चूज़ किया ठीक है ना इट्स माई पैशन सोचो रात को बारह बजे भी बैठ के बंदा पढ़ा सकता है तो इट्स माई पैशन है ना पढ़ा रहा है मतलब मन मार के नहीं करना पड़ता ये काम मेरे को मज़ा आता है इसमें ठीक है चलिए बताइए इसका आंसर बताइए ऑप्शन ए ऑप्शन सी ऑप्शन बी ऑप्शन डी इट्स फाइव क्यूब प्लस वन सिक्स क्यूब माइनस वन सेवन क्यूब माइनस वन नहीं सॉरी सेवन क्यूब नहीं एट क्यूब माइनस वन सेवन क्यूब माइनस वन एक सौ छब्बीस पांच का क्यूब एक सौ पच्चीस प्लस एक है ठीक है दो सौ पंद्रह आपका दो सौ पंद्रह छः का क्यूब माइनस एक है दो सौ सोलह माइनस एक छह का क्यूब दो सौ सोलह होता है पांच सौ ग्यारह अगर मैं बात करूं तो आठ का क्यूब माइनस एक है पांच सौ बारह माइनस एक और तीन सौ बयालीस की अगर मैं बात करूँ तो सात का क्यूब माइनस एक है तीन सौ तरतालीस माइनस एक तो बाकी सारे ये सारे सेवन क्यूब माइनस वन एट क्यूब माइनस वन सिक्स क्यूब माइनस वन है तो एक क्यूब माइनस वन है और इसकी बात करें तो क्यूब प्लस वन है फाइव क्यूब प्लस वन सो ऑप्शन लोग यार लाइक तो करना बनता है लाइक तो कर दीजिए चलिए एवरीबडी हाँ सर हर कोई नहीं कर सकता नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए पच्चीस का, 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 का स्क्वायर प्लस वन इकतीस का स्क्वायर प्लस वन तैतीस का स्क्वायर प्लस वन ये डायरेक्टली आपका ट्वेंटी नाइन का स्क्वायर ही दे रखा है पच्चीस का स्क्वायर छः सौ पच्चीस प्लस एक होता है इकतीस का नौ सौ इकसठ प्लस एक ठीक है और तैतीस का एक हज़ार नवासी प्लस एक तो ट्वेंटी नाइन का स्क्वायर डायरेक्टली दिया हुआ है इसमें प्लस वन नहीं किया वो बाकी में स्क्वायर प्लस वन था ये स्क्वायर प्लस वन नहीं था नेक्स्ट बताओ ये तो आसान है सारे ही आसान है एटी सेवन 87A, 87B, 87C, 87D बताए, 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 बच्चों क्या आंसर होगा बताइए 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 बच्चों सोलह चौके चौसठ सत्रह चौके अड़सठ इक्कीस चौक चौरासी ये आपका बीस पंजीस हो गया बाकी सारे वन रेशियो फोर या फोर मल्टीपल में था ये फाइव मल्टीपल में था ठीक है ऑप्शन सी नेक्स्ट नेक्स्ट बनाइए बताइए क्या आंसर होगा नेक्स्ट बनाइए क्या आंसर होगा दो चार और आठ तीन छ और बारह एक दो और चार चार आठ और अठारह दो दूनी चार चार दूनी आठ तीन दूनी छ दूनी बारह एक दूनी दो दो दूनी चार चार दूनी आठ तक तो ठीक था आठ दो सोलह यहां सोलह यहा, होना चाहिए ऑप्शन डी अलग हो गया ठीक है ना ये मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू है ये मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू है ये मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू है और ये नहीं है ठीक है क्लियर हुआ ऑप्शन डी नेक्स्ट केनिया जिम्बाब्वे सूडान बेल्जियम बिल्कुल ऋतुराज सिन्हा बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन डी में लास्ट में बी होना चाहिए था गुड अजय नाव्या लोकेश पूर्वी सपना निशा सुजीत ऋतुराज चुनू कुमार टेक्निकल रौनक सुरेंद्र अवधेश विकास बालबंधु नेहा कुमारी अजय निशा एकता अजीत अभिषेक दीपेश प्रियंका सुजीत सपना बालबंधु सुजीत अंकित राणा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए चल सचिदानंद कुमार वुट नहीं जिम्बावे नहीं होगा जिम्बावे नहीं होगा बेल्जियम बेल्जियम इट्स ए यूरोपियन कंट्री यूरोपियन कंट्री है यूरोपियन कंट्री है केनिया जिम्बावे और सूडान ये हमारी अफ्रीकन कंट्री है ये हमारी क्या हो जाएगी अफ्रीकन ये बाकी क्या है अफ्रीकन ठीक है चलिए चलिए नेक्स्ट बताइए बेल्जियम कैपिटल है किसकी कैपिटल है बेल्जियम लेट नाइट टीचिंग गुड थैंक यू बेल्जियम इज़ ए यूरोपियन कंट्री एंड ऑल आर अफ्रीकन कंट्री सही बिल्कुल सही चलिए नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर नाइनटी बोर्ड मास लगता है डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन नौ और पांच चौदह माइंस दो बारह बन गया आठ दुनिया सोलह माइंस तेरा तीन बन गया बारह भाग दो पांच छः प्लस पांच ग्यारह गया तेरह दोनी छब्बीस माइनस एक इधर पच्चीस आ रहा है उधर छब्बीस दिया हुआ ये गलत दिया होगा बाकी सारे सही दे रखे हैं बाकी सारी इक्वेशन सही दे रखी हैं ऑप्शन सी इक्वेशन गलत दे रखी है नेक्स्ट सी में पच्चीस होना चाहिए था रिदुर हसीना बिल्कुल सही सी इज रॉन्ग टेक्निकल न्यू अपडेट ने भी एक्सप्लेन किया है सेवा स्वामित्व साझेदारी कॉपरेशन अगर बात सेवा की की जाए तो इट्स नॉट अ बिजनेस बाकी सभी बिजनेस से रिलेटेड है प्रोपराटरशिप पार्टनरशिप और कॉपोरेशन सारे बिजनेस टर्म है सर्विस सेवा नहीं सेवा नहीं नेक्स्ट बताइए नाइनटी टू का आंसर 92a 92b 92c 92d के आंसर एवरीबॉडी फास्ट टेल मी द आंसर आकृति मोड़ने काटने वाले क्वेश्चन कराइए पाल बंधु बेटा करवा दिए वो अंडर नोन वर्बल के नाम से सेशन है देख लेना नॉन वर्बल के नाम से सेशन है प्लेलिस्ट में Playlist मिल जाएगी यार रीजनिंग शर्मा नाम से है इस चैनल पर देख लो पे चौदह प्लस तेरा सत्ताईस ग्यारह प्लस चौदह पच्चीस आठ प्लस सत्रह ठीक है ना पच्चीस तो इनमें तो पच्चीस पच्चीस बन रहा है अगर इनको जोड़ा जाता है इसमें ट्वेंटी सेवन बन रहा है सत्ताईस बन रहा है ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ठीक है नेक्स्ट चुनु कुमार प्लेलिस्ट इस चैनल पे ना आपको क्रिएटेड प्लेलिस्ट में जाना है इस चैनल पर प्लेलिस्ट में जाओगे क्रिएटेड प्लेलिस्ट पे जाओगे क्रिएटेड प्लेलिस्ट पे जब क्लिक करोगे ना सारी क्रिएटेड प्लेलिस्ट आएंगी उसके नीचे जाके आपको आ, सोलवी या पहली बीस के अंदर मिल जाएंगी क्रिएटेड प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी रीजनिंग बाय दीपांशु शर्मा के नाम से वरना कोई भी टॉपिक पढ़ना हो और साथ में है है रीजनिंग बाय दीपांशु शर्मा के नाम नाम से से या फिर इस नाम से जो है ना टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर लो रीजनिंग बाय दीपांशु शर्मा नाम से टेलीग्राम ग्रुप तो वहां पे शेयर कर दूंगा वहां से ले लेना ग्रास नली कपाल नासिका अस्थि ये शरीर के अंग है मानव शरीर अंग है मानव शरीर के अंग है अंगों के नाम है आंतरिक बारी क्विल एक प्रकार के पक्षी के पंख का नाम होता है एक प्रकार के पक्षी का पंख पक्षी के पंख को कहा जाता है क्विल ठीक है नेक्स्ट चार सो छियालीस आठ सौ चौबीस दो सौ टू फिफ्टी नाइन सिक्स वन सेवन बताइए क्या आंसर आएगा क्यों आएगा आकाश कुमार बिग फैन सर आप बच्चों के लिए रात में भी प्रैक्टिस करा रहे हो ऑलवेज वेलकम सर कितने बजे तक होगी क्लास रौनक बस दस पंद्रह क्वेश्चन हो रहा है चलिए चार प्लस चार प्लस छ अगर इनको जोड़ा जाए छः चार दस चार चौदह हो जाता है आठ प्लस दो प्लस चार अगर इनको जोड़ा जाए आठ और दो दस चार चौदह हो जाता है दो प्लस पांच प्लस नौ नौ पांच चौदह और दो सोलह हो जाता है छ प्लस एक प्लस सात ये भी चौदह हो जाता है तो इनको डिजिट को जोड़ करके चौदह 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 आ रहा है लेकिन इनकी डिजिट को जोड़ करके सोलह आ रहा है ऑप्शन सी माइट भी कुछ और लॉजिक भी लगता हो बट मेरे को तो यही याद आ रहा है दिमाग में यस yes, विजय रानी विजय रैना सही आंसर है साक्षी बिल्कुल सोहम एंड सुजीत अवधेश पालबंधु सपना सुजीत दुष्यंतु कुमार पूर्वी एंड एवरीबडी चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है पहले तो प्लेस वैल्यू लिख करके आप डिफरेंस देख लिया करो प्लेस वैल्यू मैं लिख देता हूँ अगर आपको याद है तो बड़ी अच्छी बात है याद होनी चाहिए भाई नहीं याद है तो याद करो वरना पिछड़ जाओगे और याद करवाने वाला सेशन भी है प्ले लिस्ट में सोलह दो अठारह अठारह दो बीस बाईस दो चौबीस चौबीस दो छब्बीस आठ तो दो दस, दस दस दो बारह तीन तीन छह प्लस एक देखिए बाकी सभी में प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू यहां पर अगर आप देखोगे तो प्लस थ्री प्लस वन का डिफरेंस है सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर प्रोटीन ड्रिंक कार्बोहाइड्रेट फैट बताइए क्या आंसर होगा प्लेस याद है बड़ी अच्छी बात है हमारे शरीर को पांच तत्वों की जरूरत होती है जिसमें आता है कार्बोहाइड्रेट वसा जिन्हें हम खनिज लवण कह देते हैं और ठीक है हमारे शरीर को प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वसा खनिज लवण और विटामिन की नीड होती है ठीक है तो ये तो तत्व हो गए और ये तत्व कहीं ना कहीं किसी खाने पीने की वस्तु में पाए जाते हैं तो पेय पदार्थ कोई तत्व नहीं है ठीक है ना ये कोई वस्तु है जिसके अंदर ये माइट भी तत्व पाए जाए ठीक है तो आंसर हो जाएगा ड्रिंक ड्रिंक अलग हो जाएगा ठीक है चलिए नाइन्टी सेवन का बताएं नाइन्टी सेवन का बताइए बीस आठ तेरा अठारह नौ चौदह उन्नीस चार बारह बीस देखो अगर मैं डिफरेंस बेस देख रहा हूँ तो दस प्लस पाँच पंद्रह पंद्रह प्लस पाँच बीस आठ प्लस पाँच तेरह तेरह प्लस पाँच अठारह नौ पाँच चौदह चौदह पाँच उन्नीस लेकिन यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है चार और आठ बारह बारह और आठ बीस ठीक है ना इन सभी में तो पाँच पाँच का डिफरेंस है प्लस फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव बट यहाँ पे है प्लस एट प्लस एट तो डिफरेंट हो जाएगा डी एल टी कली कुी सत्रिया क्या आंसर होगा नाइनटी एट हंड्रेड के बहुत नजदीक अठानवे अठानवे बी अट्ठानवे सी अट्ठानवे डी तो कल मैंने आप लोगों को साठ क्वेश्चन करवाए थे एनालॉगी के एनालॉगी के साठ क्वेश्चन और आज करवा दिए साठ क्वेश्चन करवा ही देता हूँ क्लासिफिकेशन के चलिए एवरीबडी को लाइक शेयर जरूर कर देना कत्थक कली कत्थक कली केरला कुछीपुड़ी आंध्र प्रदेश सत्रिया असम की नृत्य शैलियां ठीक है ना ठीक है हेमिस 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 लेह लद्दाख का त्योहार है ठीक है नृत्य शैली नहीं है हेमिस विल बी द राइट आंसर ठीक है ऑल आर डांस फॉर्म्स डी इज डीज नोटा डांस फॉर्म बिल्कुल सही कहा आपने चलिए नेक्स्ट बताइए हेमिसमिसमिस कहा का था ले काली तमिलनाडु है नहीं भाई नेशनल पार्क भी है हेमिस चलो जो भी है जहां से भी है लेकिन एक बात ये है सत्य है कि वो तीनों डांस फॉर्म है ठीक है ना पहले तीन डांस फॉर्म दिए गए थे चौथा डांस फॉर्म नहीं था तमिलनाडु का थोड़ी कथकली तक कली केरला का है यार चार छः आठ देख लेना एक बार देख लेना भाई ठीक है ना माइट भी मैं गलत हूँ एक बार देख लेना चेक कर लेना इस चीज को बट मुझे जहां तक याद था मैंने बता दिया बट बत आई एम नॉट अ जी के टीचर जी टीचर ठीक है चलिए बताइए क्या आंसर होगा कुमार आपको जो है ना ये फर्स्ट और लास्ट क्लास ही मिल रही है आप ये भी समझ लेना प्ले लिस्ट देख लेना रीजनिंग से प्ले लिस्ट बनी हुई है टेलीग्राम ग्रुप टेलीग्रामी पांशु शर्मा नाम से उससे जुड़ जाइएगा ताकि आप और क्लासेस मेरी देख पाए है ना चार प्लस दो छ प्लस दो आठ सात प्लस एक आठ आठ प्लस दो दस इक्कीस दो तेईस तेईस दो पच्चीस अठारह दो बीस बीस दो बाईस अगर मैं ऑप्शन बी की बात करूं वो अलग हो गया क्योंकि बाकी समय में प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू हो रहा है ऑप्शन बी में प्लस वन प्लस टू हो रहा है ठीक है ऑप्शन बी हो जाएगा चार सौ छब्बीस तीन सौ छत्तीस दो सौ सत्तावन तीन सौ उनसठ बताओ तमिलनाडु का भरत नाट्यम बताया दुष्यंत राव ने सपना कह रही हैं कि कथक कली यू आर राइट क्वेश्चन नंबर हंड्रेड ओरिजिन केरला से हुआ था नाउ तमिलनाडु का है कथक माइट भी हो सकता है यार इस बात पे बहस नहीं करेंगे हम ठीक है चार दो और छ तीन तीन और छ दो पांच और सात तीन पांच और नौ ठीक है चार दो छ तीन और तीन छ दो और पांच सात यहां पर ये फिट नहीं बैठा क्योंकि तो तीन और पांच इज नॉट इक्वल टू नाइन ऑप्शन डी थ्री प्लस फाइव इज इक्वल टू एट ओके चलिए नेक्स्ट पूर्वी कपकली केरला का है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है हंड्रेड एंड वन क्वेश्चन नंबर हंड्रेड एंड वन सो क्वेश्चन करवा दिए मैंने आई मेक माय वर्ड्स ओके चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर एवरी फास्ट सी एक्स अपोजिट डी डब्ल्यू अपोजिट एफ यू अपोजिट एस एच होता है डी डब्ल्यू अपोजिट जी टी अपोजिट बी वाई अपोजिट डब्ल्यू डी अपोजिट सो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा एक तो ये हो गया दूसरा तरीका प्लेस वैल्यू है तीन चौबीस तेईस चार ऑप्शन बी में छः, इक्कीस उन्नीस सात ऑप्शन सी में चार तेईस बीस सात ऑप्शन डी में दो पच्चीस तेईस चार देखो प्लेस वैल्यू लिखने के बाद यू कैन सी एक का डिफरेंस है एक का डिफरेंस है जो भी है माइनस वन प्लस वन एक का डिफरेंस है एक का डिफरेंस है यहाँ पे देखो तीन का डिफरेंस है तीन का डिफरेंस है यहाँ पे देखो दो का डिफरेंस है दो का डिफरेंस है बट पर ऐसा मैचिंग नहीं आ रही यहाँ पे तो दो का डिफरेंस है यहाँ पे एक का डिफरेंस है यहाँ डिफरेंस गड़बड़ा गया ठीक है तो दो तरीके से मैंने करवा दिया ऑप्शन बी ही सही सर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन जीरो टू सर कल से ओके सर मजबूरियां होती हैं साक्षी पढ़ाता हूं कल क्लास होगी शाम को सात बजे अंतिम प्रहार ठीक है फाइव से डिविजिबल है फाइव से डिविजिबल है फाइव से डिविजिबल है नॉट डिविजिबल बाय फाइव ठीक है ओके okay. बावरची चाकू आरी बढ़ाई मूर्तिकार छैनी चिकित्सक स्टेटस को नेक्स्ट बताइए वर्कर टूल ए बी जो कि इसमें नहीं नजर आ रहा इसमें उल्टा दिया हुआ है समझ रहे हो? डॉक्टर का टूल स्टेटोस्कोप मूर्तिकार का छेनी, ठीक है ना स्कपलर का अपना चेजव शेफ का नाइफ लेकिन इसमें दिया हुआ उल्टा बड़ई का आरी कारपेंटर का सॉ बाकी सब में रिलेशनशिप ए टू बी है लेकिन उसके अंदर कर दिया है ऑप्शन बी के अंदर वर्कर इधर और टू लीडर ठीक है सो ऑप्शन बी वी बता राइट आंसर वन जीरो फोर ये ध्यान रखना पड़ेगा पूर्वी ये उसमें भी दिक्कत देता है एनालोगी में भी एनालॉगी में भी प्रॉब्लम दे देती है ये चीजें एक बार इनका डिफरेंस देख लिया करो अगर डिफरेंस पे ना हो जैसा कि नहीं हो रहा माइनस ग्यारह प्लस वन प्लस सिक्स प्लस टू कहीं पे भी डिफरेंस मैच नहीं कर रहा अगर डिफरेंस बेस पे ना हो तो जोड़ के देख लिया करो अठारह सात पच्चीस और चार उनतीस बारह नौ इक्कीस और आठ उनतीस चौबीस और पाँच उनतीस छत्तीस और तीन उनतालीस तो इसमें आ रहा हूँ उनतालीस और बाकी सभी में आ रहा 29 उनतीस ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर पहले डिफरेंस देख लिया करो वरना फिर जोड़ के देख लिया करो प्लेस वैल्यू बिल्कुल सही नेक्स्ट कोई नंबर ग्यारह से डिविजिबल होता है या नहीं होता ये कैसे पता लगता है अगर अल्टरनेट डिजिट को जोड़ा जाए ये अल्टरनेट डिजिट है इनको जोड़ लिया 9 प्लस दो प्लस जीरो प्लस जीरो, प्लस जीरो कितना है ग्यारह ठीक है और ये बाकी की जो अल्टरनेट डिजिट है इनको जोड़ लिया तो ये हो गया एक प्लस पांच प्लस सात प्लस नौ और सात सोलह और छह बाईस इधर ग्यारह इधर बाईस इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों का अंतर जीरो आए ग्यारह आए बाईस आए तैतीस आए यानी ग्यारह का मल्टीपल जो भी आए तो ये नंबर ग्यारह से डिविजिबल होता है अदरवाइज नहीं होता है ये इलेवन का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है मैंने इसको देखा दो तीन दो एक इन दोनों को जोड़ा चार इन दोनों को जोड़ा चार तो चार और चार का डिफरेंस जीरो जीरो आ जाए तो डिविजिबल है ठीक है ये ग्यारह से डिविजिबल है एट टू फाइव अगर इन दोनों को जोड़ा तेरह और ये दो अकेला दो और तेरह का डिफरेंस ग्यारह ग्यारह आ गया ठीक है ना जीरो आ जाए ग्यारह आ जाए तो वो नंबर ग्यारह से डिविजिबल होता है इसको देख लो नौ छ आठ नौ और आठ सत्रह ये छह सत्रह और छ का डिफरेंस कितना हो गया ग्यारह ग्यारह आ जाए तो ये नंबर डिविजिबल है

माँ पिता बहन फैमिली ट्री में आते हैं ठीक है फ्रेंड नहीं या फिर इससे आपको जेंडर नहीं पता लगता ठीक है ना माँ है तो फीमेल है पिता है तो मेल है बहन है तो फीमेल है मित्र लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है ऑप्शन डी बी द राइट आंसर ठीक है नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर वन जीरो सेवन वन ओ सेवन, और नौ, तीन, पाँच सोलह उन्नीस तेरह पंद्रह सात दस छ आठ बाईस पच्चीस उन्नीस इक्कीस वैल्यू लिखने के बाद यहाँ पर डिफरेंस है छ प्लस तीन नौ माइनस सिक्स प्लस टू सोलह प्लस तीन उन्नीस माइनस सिक्स प्लस टू सात और तीन दस माइनस फोर प्लस टू बाईस और तीन पच्चीस माइनस सिक्स प्लस टू तो जो ये डिफरेंस है ना प्लस थ्री माइनस सिक्स प्लस टू प्लस थ्री माइनस सिक्स प्लस टू प्लस थ्री माइनस सिक्स प्लस टू इन ऑप्शन में मैच होता है इस ऑप्शन सी में है प्लस थ्री माइनस फोर प्लस टू यहाँ पे माइनस सिक्स की बजाय माइनस फोर आ गया ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर रोनक कुमार यादव सर टाइमिंग कब से है क्लास की। कल शाम को सात बजे इसी प्लेटफॉर्म पे क्लास मिलेगी सर एक क्वेश्चन है वो नहीं रहा अगर कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के ऑफलाइन कमेंट में डाल देना या फिर आप लोग जो है रीजनिंग बाय दीपांशु शर्मा नाम से टेलीग्राम ग्रुप है वहां जुड़ जाना वहां पे बता देना ठीक है तीन चार छ आठ नौ ग्यारह ग्यारह बारह तेरह सोलह सत्रह उन्नीस यहाँ पे देख रहे हो तीन प्लस एक चार चार प्लस दो छः आठ प्लस एक नौ नौ प्लस दो ग्यारह सोलह प्लस एक सत्रह सत्रह और दो उन्नीस ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगा प्लस वन प्लस वन के एल एम ऑप्शन सी बताइए क्या आएगा गौरव कुमार मेरे भाई आजकल बहुत कम क्लास लग रही है रीजनिंग की मेरे भाई आपके लिए प्लेलिस्ट बनी बननी पड़ी है पूरा का पूरा सेशन आप लोगों के लिए तैयार पड़ा है एक सौ नौ का आंसर बताइए विद रीजन बताइए का डी आएगा क्यों एक्सो का लॉजिक बताइए क्या है एक्सो का लॉजिक क्या है सात का स्क्वायर उनचिस दो का स्क्वायर चार दोनों को जोड़ा तो तिरपन पहले ऑप्शन में आठ का स्क्वायर और दो का क्यूब कर दूं तो चौसठ और आठ बहत्तर हो जाएगा तीन का स्क्वायर ऑप्शन बी और चार का क्यूब कर दू तो नौ और चौसठ तिहत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन में पांच का स्क्वायर और तीन का क्यूब कर दू तो पच्चीस और सत्ताईस बावन हो जाएगा लेकिन इसमें अगर सात का स्क्वायर और दो का क्यूब कर दू तो उनच और आठ सत्तावन होना चाहिए था यहाँ पे बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है ऑप्शन डी अलग हो जाएगा उसमें नहीं बैठ रहा पहले का स्क्वायर दूसरे का क्यों बिल्कुल सही बताया आप सभी लोगों ने नेहा निशा एंड एवरीबडी टेक्निकल टीम एजे कैट को लिखा है डी वन यू प्लीज को लिखा है प्लीज को लिखा है क्यू एम टू वन टी टू पोडियम तो को क्या लिखेंगे पोडियम को क्या लिखेंगे तीन बीस चार इक्कीस देखो इट्स प्लस वन प्लस वन सोलह बारह उन्नीस सत्रह तेरह बीस प्लस वन प्लस वन प्लस वन कौनसोनेंट्स हैं प्लस वन है वोवल 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 होते हैं पांच ए ई आई ओ यू पहला वोवल दूसरा वोवल तीसरा वोवल चौथा वोवल पांचवा वोवल दैट्स वाई ई के नीचे टू ए e के नीचे वन ई e के नीचे टू ए e के नीचे वन तो ये तो सोलह और एक सत्रह क्यों हो जाएगा चार और एक पांच ई हो जाएगा तेरह और एक चौदह एन हो जाएगा ओ जो है हमारा चौथा वो है इसके लिए चार लिख रहा हूँ आई जो है हमारा तीसरा वो है तीन लिख रहा हूँ यू हमारा पांचवा इसलिए पांच लिख रहा हूँ वोवल्स को डिजिट से दर्शाना पोडियम का आंसर है ठीक है टेक्निकल नेक्स्ट थोड़ा गड़बड़ हो गया होगा नहीं हो चलिए नेक्स्ट बताइए हंड्रेड एंड टेन।, टेन क्या आंसर होगा इसका नाइन प्लस सेवन प्लस नाइन अगर मैं जोड़ता हूं तो पच्चीस हो जाता है चार प्लस छः प्लस पांच करूँ तो पंद्रह हो जाता है आठ प्लस नौ प्लस तीन करूँ तो बीस हो जाता है एक प्लस तीन प्लस जीरो करूँगा तो चार हो जाएगा तो ये अलग हो गया क्योंकि बाकी के डिजिट को जोड़ करके जो आ रहा है वो पांच से डिविजिबल है इसको जोड़ करके जो आ रहा है वो पांच से डिविजिबल नहीं है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर होता है बिल्कुल नहीं हाँ बिल्कुल सही है चलिए नेक्स्ट बताइए लास्ट टेन क्वेश्चन है हंड्रेड एंड ट्वेंटी तक डिस्कस करेंगे हम लास्ट टेन क्वेश्चन है हंड्रेड एंड ट्वेंटी तक जाएंगे ओ क्यू का बन गया आर ओ जे एल एन का बन गया ओ जे एल जी आई के का बन गया एल जी आई आर टी वी का बन गया वी आर टी क्यू आर सत्रह अठारह बाकी सब सेम है चौदह पंद्रह प्लस वन जे एल सेम है ग्यारह बारह प्लस वन बाकी सेम है आर भी सेम है टी भी सेम है बी भी सेम है इसमें प्लस वन नहीं किया यहां पर डब्ल्यू होना चाहिए था नेक्स्ट बताइए एक सौ बारह का अवदेश आरुषि, रौनक अवदेश और रौनक एक एक बार ही आंसर करो यार तेरह का स्क्वायर चौदह का स्क्वायर माइनस वन सत्रह का स्क्वायर अठारह का स्क्वायर माइनस वन पंद्रह का स्क्वायर सोलह का स्क्वायर प्लस वन नौ का स्क्वायर दस का स्क्वायर माइनस वन तो आंसर हो जाएगा सी क्योंकि तो इसमें नेक्स्ट वन का स्क्वायर प्लस वन है बाकी में नेक्स्ट वन का स्क्वायर माइनस वन है अब देश भाई जा यार चलिए बताइए हंड्रेड एंड थर्टीन डिफरेंट पेयर कौन सा बनेगा इसमें डिफरेंट पेयर कौन सा बनेगा सा? समापन समाप्त करना ये सिनो नेम्स हैं ठीक है दोनों एंडिंग प्रोसेस को दर्शा रहे हैं इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग कंक्लूजन एंडिंग अभिवादन शुरुआत में होता है विदाई लास्ट में होती है ग्रीटिंग्स पहले होता है एडीयू बाद में होता है अभिनंदन पहले होता है अलविदा बाद में होता है बाकी सब में स्टार्ट और एंड है ठीक है ना इसमें दोनों ही एंड है ऑप्शन डी हो जाएगा नेक्स्ट बताइए प्रतिसरण रद्द करना निरस्त करना प्रमाणित करना रिवोक कैंसल एप्रोगेट ये तीनों सीनो नेम्स हैं इन तीनों का मतलब होता है कुछ कैंसिल कर देना ठीक है ना रिवॉक कर लेना हटा देना रद्द कर देना एस्टैब्लिश होता है जोड़ने को दर्शाता है एस्टैब्लिश वर्ड अलग हो जाएगा बाकी तीनों कहीं ना कहीं कह सकते हो कि तोड़ने से रिलेटेड है एस्टैब्लिश जोड़ने से रिलेटेड है नेक्स्ट बताइए एक सौ पंद्रह हंड्रेड एंड फिफ्टीन एक सौ पंद्रह ए एक सौ पंद्रह बी एक सौ पंद्रह सी एक सौ पंद्रह डी क्या होगा बच्चे क्यों होगा लॉजिक के साथ चवालीस और सत्ताईस दोनों में जो डिफरेंस है सत्रह का है उनहत्तर और चौरानवे दोनों में डिफरेंस अठारह का है अट्ठानवे और इक्यासी में, दोनों में डिफरेंस सत्रह का है ऑप्शन सी अलग हो गया इसमें जो दोनों नंबर में डिफ्रेंस है वो एटीन का है नेक्स्ट बताइए एक सौ सोलह का रितन कर पाल आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास एट ओके वेरी गुड मोहिनी अभिषेक अनुराग शर्मा अवधेश नेहा कुमारी सपना कोई भी डाउट होता है रीजनिंग बाई दीपांशु शर्मा नाम से टेलीग्राम ग्रुप है उसमें जुड़ जाइए ठीक है सेवनटीन का स्क्वायर है एटीन का स्क्वायर है नाइनटीन का स्क्वायर है टू टू किसी का भी स्क्वायर नहीं है ऑप्शन सी हो जाएगा सैमसंग ओपो वीवो पतंजलि ये तो सबको पता होगा यार स्क्वायर थे नहीं हाँ, क्यों आंसर हो जाएगा पतंजलि ठीक है ये तीनों इलेक्ट्रॉनिक्स में डील करती हैं अभी बाबा रामदेव जी का इस मार्केट में उतरना बाकी है सैमसंग ओपो वीवो मोबाइल कंपनी है पतंजलि के मोबाइल फिलहाल नहीं आते चलिए नेक्स्ट विपुल दुर्लभ प्रचुर ये दुर्लभ हो जाएगा जो कम मात्रा में होता है विपुल भी बहुत अधिक मात्रा में प्रचूर भी प्राचूर्य भी अधिक मात्रा को ये कम मात्रा को दर्शाते हैं बंगाली मैथिली होसा बोडो बताइए क्या हुआ सी नोटा लैंग्वेज सारी लैंग्वेज है सर ये वोड नंबर फाइंड वाले क्वेश्चन में क्या क्या, क्या, क्या कंडीशन रहती है जैसे डिफरेंस वोड नंबर वाले क्वेश्चन बता देना शीश कौन सा क्वेश्चन है मैं बता दूँ इस नाम से है रीजनिंग बाय दीपांशु शर्मा नाम से टेलीग्राम वहाँ पे देखो बंगाली मैथिली और मेरे ख्याल से बोडो भी ये तीनों लैंग्वेज इंडियन लैंग्वेज है देखो बंगाली और मैथिली का मेरे को कन्फर्म है होसा देख लेना होसा जो है किसी कंट्री की लैंग्वेज है इंडियन लैंग्वेज नहीं है होसा तो हौसा आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा होसा लैंग्वेज जो है ना वो इंडियन लैंग्वेज नहीं है बाकी सभी इंडियन स्टेट्स में बोले जाने वाली लैंग्वेज है ठीक है चलो तो ये तो बहुत आसान है यार हंड्रेड एंड ट्वेंटी नाइजीरिया में बोले जाने वाली लैंग्वेज है होसा बाकी सारी इंडिया में बोली जाती है बंगाली मैथिली बोडो ठीक है ना तो अपोजिट लेटर दे रखे हैं डी 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 अपोजिट है बी हाँ, वाई अपोजिट है, जे, अपोजिट है है जे एफ का अपोजिट यू होता है टी का जी होता है तो ये अपोजिट लेटर पेयर नहीं है ठीक है तो ये थे हमारे 120 क्वेश्चन गाइस और सेशन अगर आपको पसंद आया आप लोगों ने 60 क्वेश्चन मेरे साथ कल एनालोगी के किए थे 60 क्वेश्चन आज मैंने आप लोगों को क्लासिफिकेशन uh, के करवा दिए हैं आप सभी लोग कल संडे को बारह बजे दोपहर बारह बजे टेस्ट जरूर दें मेगा कॉम्बे टेस्ट दीप सर कोड लगा करके एनरोल कर, कर लीजिए एनअकेडमी आप इंस्टॉल कर लीजिए और एनअकेडमी पर आप लोगों के लिए बड़ी शानदार क्लासेस होती हैं तो आप लोगों को जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए दीप सर कोड लगा करके इंस्टेंट टेन डिस्काउंट आप लोगों के लिए मिल रहा है तो आप सब लोग ले सकते हैं और जिनके पास भी एस एग्जाम सब्सक्रिप्शन है कल रात साढ़े बजे आप लोग मेरे साथ जरूर ज्वाइन करें क्लास को ठीक है दीप सर कोड लगा करके आप लोग जो है कोर्स ले सकते हैं ठीक है तो आपका जो ये अमाउंट है कोई भी एनअकेडमी का पेड प्रोडक्ट है उसमें टेन परसेंट डिस्काउंट हो जाएगा फाइव एट फाइव जीरो हो जाएगा अभी वन ईयर का सब्सक्रिप्शन लेने पर फोर मंथ्स का एडिशनल सब्सक्रिप्शन मिल रहा है ऑफर चल रहा है सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो वो आप इस वीडियो के ऑफलाइन कमेंट में बता दीजिएगा इस चैनल पर न हो सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन बटन को दबा लीजिए और कोई भी टॉपिक पढ़ना हो साथ में आप रीजनिंग बाय दि पांशु सर लिख देना और प्लेलिस्ट बनी हुई है इस चैनल पर वाईफाई स्टडी चैनल पर वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पर रीजनिंग बाय द पांशु सर नाम से ठीक है प्ले है आप लोग दो चैनल पर मेरी क्लासेस देखते हैं वाई स्टडी एंड वाई स्टडी स्टूडियो ठीक है तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास लेकर के नेक्स्ट सेशन लेकर के जल्दी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स ख्याल रखिएगा एंड ऑल द बेस्ट बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर टेक केयर बाय बाय जय हिंद साथियों थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राम राम नमस्कार पढ़ना